एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोस्वामी टिप्स एंड ट्रिक पर। तो आपका स्वागत है इस नई वीडियो पर दोस्तों। तो आज इसमें आपको बता देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ही इस जानकारी वीडियो से मिलने वाली है तुम्हें। इसमें प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये आप देख रहे होंगे हमारे पास ये जो TVS X100 आई टच स्टार्ट है, ये सेल्फ स्टार्ट। तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है दोस्तों, जैसे आपके पास ये अगर प्रॉब्लम आए तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, कोई स्टेप मिस ना करें। तो पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे होंगे जो एरर कोड यहाँ जो है, और ये हम इस चाबी पहले तो इसको ऑन करते हैं और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ काम कर रही हैं पहले और क्या क्या चीज़ काम नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसका हॉर्न है, हॉर्न इसका देख रहे होंगे आप, ये हॉर्न इसका काम कर रहा है। और आप देख रहे होंगे इंडिकेटर भी इसके जल रहे हैं, इंडिकेटर भी इसके जल रहे हैं। और आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, बाइक स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ इसको। किक से स्टार्ट होगी ये बाइक, तो आपको ये किक से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये किक से स्टार्ट हो चुकी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं लेकिन जो हमारा जो सेल्फ है, इसका सेल्फ है, वो सेल्फ इसका ख़राब हो चुका है। हम इसको सेल्फ से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी। दिखा देता हूँ मैं आपको स्टार्ट करके सेल्फ से, जैसे हम इसका सेल्फ का बटन दबाएंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ना कोई इसका कोई एरर कोड शो करेगा। तो आपको सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाता हूँ पहले। तो आप देख रहे होंगे ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, दोनों ब्रेक हमने दबा रखी हैं और सेल्फ का बटन भी दबा दिया है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और देख रहे होंगे यहाँ जो स्टार्ट करने पे यहाँ जो लाइट ब्लिंक करती है जैसे स्टार्ट करते हैं, वो भी कोई शो नहीं कर रही है। सारी इसमें चीज़ें इसकी जो होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सही हैं। और इसकी लाइट भी और आपको दिखा देता हूँ, इसकी लाइट जल रही है या नहीं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसकी लाइट हम जला के देख लेते हैं, तो देख रहे होंगे लाइट, इसकी लाइट भी इसकी जल रही है, यानी सारी चीज़ें जो हैं काम कर रही हैं लेकिन इसका जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा है। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के साथ, तो क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बने रहें, और अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने इसमें सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं लेकिन ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे हम अगर इसे ब्रेक वगैरह दबाएंगे, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसकी जो कमी होगी, जो आपकी जो लाइव करके दिखाऊंगा इसमें, शायद आपके पास ये कमी आए और शायद आई हो और इसको आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हो। तो आज इस वीडियो से आप ऐसी अगर कोई गाड़ी आती है आपके पास, TVS X100 टच स्टार्ट आती है, तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से डिग्गी को हटाएंगे, यहाँ पर ही बैटरी लगी है तो इसको हटा लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने इसकी डिग्गी वगैरह हटा ली है, तो इसमें प्रॉब्लम दिखा देते हैं आपको क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो बैटरी है उसको चेक करेंगे, इसमें कितना चार्जिंग है। तो बैटरी हम इसको चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसमें चार्जिंग है। तो उसके लिए हम एक होल्डर और एक बल्ब लेंगे, इसकी मदद से हम देखेंगे इसमें बैटरी में कितनी चार्जिंग है। तो हम बल्ब से ही पता कर लेंगे इसमें चार्जिंग कितनी है। तो हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कितनी चार्जिंग है और हमारा बल्ब कितना जलता है, तो इसको जलाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप इसकी बैटरी की जो पावर है, प्रॉपर पावर है इसमें, पूरी चार्ज है। ये बल्ब हमारा खूब जल रहा है और बैटरी की हमारी कोई कमी नहीं है। तो बैटरी बिल्कुल सही है, वो प्रॉपर चार्जिंग है इसमें। तो हम इसका सेल्फ देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेल्फ को देखते हैं, सेल्फ को खोल करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ये फ्यूज जो लगा हुआ है, अगर ये फ्यूज तो सही होगा, अगर फ्यूज ख़राब होता तो हमारी जो लाइट जो तुम्हारे जैसे हॉर्न वगैरह जो होते हैं इंडिकेटर, वो काम नहीं करते। तो इसका फ्यूज तो 100% सही होगा। तो यहाँ भी फ्यूज लगे होते हैं देख रहे होंगे दो आप, तो इसके भी फ्यूज की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है केवल सेल्फ की प्रॉब्लम है, सेल्फ ही की में इसमें प्रॉब्लम है। तो
तो सेल्फ को देख लेते हैं पहले से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके देखेंगे वायरिंग में करंट वगैरह है कि नहीं, फिर आपको दिखाएंगे अगर सेल्फ की ज़रूरत पड़ी खोलने की तो सेल्फ को भी खोल करके देखेंगे। सेल्फ में प्रॉब्लम होगी तो आपको वो भी दिखाएंगे सेल्फ कैसे इसके सही होएगा। तो एक बार और देख लेते हैं, स्टार्ट करके देख रहे होंगे आप, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और जो यहाँ जो लाइट होती है देख रहे होंगे आप, ये भी ब्लिंक नहीं कर रही है नहीं। सेल्फ अगर लाइट में कोई जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइट ब्लिंक कर जाती है, कोई ब्लिंक नहीं है यहाँ पर। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंडिकेटर देख रहे होंगे आप, इसके जल रहे हैं, सारी चीज़ें इसकी काम कर रही हैं, सेल्फ वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा है बस। तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट में देख लेते हैं, जो आप देख रहे होंगे ये जो ब्रेक स्विच का वायर जो होता है, पहले सबसे पहले हम इसको फ्यूज का जो होल्डर है उसको लगा देते हैं। ये होता है ब्रेक स्विच वायर, देख रहे होंगे जो ब्रेक, ये सॉकेट जो है ये ब्रेक स्विच का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रेक स्विच के सॉकेट में पहले इसको डायरेक्ट करेंगे एक बार लगा करके, कहीं ब्रेक स्विच तो नहीं ख़राब है। ब्रेक स्विच ख़राब हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप देख रहे होंगे हमने ये डायरेक्ट कर दिया, अगर ये ब्रेक स्विच ख़राब होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो इसमें और प्रॉब्लम है। सेल्फ वगैरह देखेंगे फिर, अगर ये ऐसे स्टार्ट नहीं हुई तो ऐसे, अगर आप ब्रेक स्विच ख़राब हो जाए तो ऐसे डायरेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे अब ये इसमें ब्रेक दाबने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका ब्रेक स्विच डायरेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप देख रहे होंगे हमने इसका ब्रेक स्विच डायरेक्ट कर दिया है तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम शायद इसके सेल्फ में है, तो सेल्फ को भी खोल करके देखेंगे, अगर इस सेल्फ में प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे कैसे इसका आप सेल्फ सही कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंडिकेटर वगैरह सारे जल रहे हैं, और हमने इसका जो सेल्फ का जो स्विच होता है ब्रेक स्विच वो भी हमने डायरेक्ट कर दिया है तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो प्रॉपर जो हमने जो होल्डर जो हमने लगाया था, तो एक होल्डर से हम इसमें करंट चेक करेंगे पहले। यहाँ जो स्विच होता है ये जो फ्यूज लगा हुआ है वहाँ पर करंट वगैरह चेक करेंगे, एक होल्डर लेते हैं, होल्डर की मदद से पहले तो इसका करंट चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर करंट आ रहा है, कहाँ कहाँ ये बल्ब जलता है, कहाँ कहाँ नहीं जलता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वायर को पहले अर्थ कर देंगे, कहीं पर भी लगा देंगे, इंडिकेटर में लगा देंगे पहले, इंडिकेटर में भी लगा सकते हो अर्थ, केवल इंडिकेटर अर्थ कर सकते हो या बॉडी अर्थ कर सकते हो। तो ये हमारा जो इंडिकेटर का जो वायर है ये यहाँ पर थोड़ा कट रहा है तो हमने इसी में अर्थ कर दिया ये। अब हम देखेंगे इस बल्ब को जला करके ये जलेगा या नहीं। जो आप ब्रेक स्विच का वायर जो फ्यूज होता है यहाँ पर तो वायर होते हैं, यहाँ पर तो देख रहे होंगे यहाँ जो करंट है वो आ रहा है, और दूसरी तरफ भी हमने लगाया ब्रेक जो हमारा फ्यूज होता है जो, तो ये दोनों तरफ करंट आ रहा है, तो ये फ्यूज भी सही है और यहाँ करंट भी आ रहा है। अब हम देख लेते हैं ब्रेक स्विच का जो सॉकेट होता है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं, जो ब्रेक स्विच का जो हमने डायरेक्ट किया था वायर तो उसमें हमको करंट देखना पड़ेगा उसमें आ रहा है कि नहीं। तो करंट देख लेते हैं दोस्तों इसमें आ रहा है कि नहीं, तो एक बल्ब लगा करके देख लेते हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो बल्ब जलाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो बल्ब जलाने के लिए हमको इसमें करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें जो हमने जो फ्यूज में जो बल्ब लगाया था जो फ्यूज में जल गया था और यहाँ पर नहीं जल रहा है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा ये आपको बता देता हूँ, जैसे सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें हमको एक वायर लेकर यहाँ से हमको यहाँ पर एक दूसरा वायर लेकर के अलग से इसमें लगाना पड़ेगा, देखते हैं अगर इसमें हमको जैसे हमने इसमें वायर यहाँ से यहाँ तक ये लगा दिया है तो इसे लगा करके देखते हैं स्टार्ट होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बल्ब से इसको चेक करके यहाँ पे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, जो हमने जो वायर अलग से दिया है, तो अगर इसमें करंट आ जाता है तो हम देखते हैं इसको स्टार्ट करके सेल्फ से। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये करंट हमने यहाँ से फ्यूज में से और यहाँ दे दिया है, तो अब इसको देख लेते हैं अब ये सेल्फ स्टार्ट होगी या नहीं। तो सेल्फ दबा करके देखते हैं, अगर स्टार्ट हो गई तो ठीक हो जाएगी ये गाड़ी, नहीं तो हम इसमें और भी कोई चीज़ देखते हैं। तो इसमें सेल्फ का बटन दबाते हैं और देखते हैं स्टार्ट करके, तो ब्रेक दबाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि वहाँ ब्रेक स्विच डायरेक्ट है। तो सेल्फ स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ये सेल्फ इसकी स्टार्ट हो चुका है, और जो आपने देखी होगी मीटर में जो लाइट ब्लिंक करती है वो भी ब्लिंक करी थी सेल्फ,
दवानी पर, तो इसका सेल्फ सही हो गया दोस्तों। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सेल्फ को सही कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे इस वायर की मदद से हमने इस गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट किया है, और ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अगर आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो लाइट ब्लिंक करेगी। यहाँ पर देखो जैसे हम बटन दाबेंगे, देखो अभी लाइट ब्लिंक करी है, और पहले हम दाबते थे तो कोई यहाँ ब्लिंक वगैरह नहीं थी और ये स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो अब ये स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे होंगे आप। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।